हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में स्पेशल एजुकेटर की दो भर्ती की प्रोसेस चल रही है। एक वो भर्ती है जो 297 स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट के ऊपर पेपर हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, पर अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और दूसरी वो भर्ती है जिसमें स्पेशल एजुकेटर के 1380 पद सेंक्शन हो चुके हैं, पर फिलहाल उन पर एडवर्टीजमेंट आना बाकी है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे और आपको विद प्रूफ बताएंगे कि कब तक 297 स्पेशल एजुकेटर के जो पोस्ट हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और जो 1380 स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट कब तक एडवर्टीज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये न्यूज़पेपर आज का ही है, तो इसमें बताया गया कि जो हेडलाइन आप देख रहे हो कि महज 12 स्पेशल शिक्षकों के सहारे शिक्षा ग्रहण कर रहे जिले के 793 दिव्यांग छात्र। तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट की न्यूज है और यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है डिसेबिलिटी के, वो गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ का डाटा देखा और उसके बेस पे ये न्यूज है। और इसमें बताया गया कि 66 बच्चों पे एक शिक्षक है, जो स्पेशल एजुकेटर है वो 66 बच्चों पे एक है। तो जैसा, और आप सभी जानते हैं कि RPWD एक्ट आया है और जो गजट आया हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें ये बताया गया कि जो 8th तक बच्चे हैं तो वहाँ पे 10 बच्चों पे 1 स्पेशल एजुकेटर होगा, और जो 9 to 12th है वहाँ पे 15 बच्चों पे एक स्पेशल एजुकेटर होगा। तो उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि हरियाणा में ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 66 बच्चों पे एक स्पेशल एजुकेटर है, और यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे स्पेशल एजुकेटर रखा जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉक के बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, अगर किसी विलेज में स्कूल है तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं होते, और ब्लॉक वाले स्पेशल एजुकेटर ही सभी गांव के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको देखते हैं। तो आगे हम इसको जूम करके भी दिखाएंगे, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मेन बात यही है कि 66 बच्चों पे एक टीचर है, तो आप सोच सकते हो कि कैसे वो पढ़ा रहे होंगे दिव्यांग बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि ये हमने जूम करके किया, यहाँ पे बताया गया कि प्रदेश भर में 18,500 दिव्यांग विद्यार्थी व 695 स्पेशल शिक्षक नियुक्त हैं। तो 18,500 के ऊपर 695 स्पेशल एजुकेटर नियुक्त हैं फिलहाल रिसेंट में अगर हम बात करें तो। और समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में सामान्य बच्चों के बीच सामान्य शिक्षक पढ़ाता है, और खंड स्तर पर संसाधन कक्ष में तैनात स्पेशल अध्यापक अपने अंतर्गत आने वाले गांव के स्कूलों में जाकर दिव्यांगों को आने वाले समस्याओं को समाधान करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक लेवल पे स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए गए हैं, और ब्लॉक लेवल पे ही रिसोर्स रूम है, और वो ही जाके गांव में तो जो स्पेशल चाइल्ड हैं वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है हरियाणा में फ़िलहाल, कि जो ब्लॉक लेवल पे स्पेशल एजुकेटर है वो पता नहीं गांव में कभी जाते भी हैं या नहीं, और गांव में कोई रिसोर्स रूम नहीं है, वो ब्लॉक लेवल पे ही है। और विदाउट रिसोर्स रूम के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेशल चाइल्ड को कैसे पढ़ाया जाता होगा जो विलेज लेवल पर। और उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक 297 स्पेशल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। ये मेन बात है उन सभी साथियों के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो पीछे भर्ती आई थी 297 स्पेशल एजुकेटर की। तो इसमें इन्होंने आज कल ही बताया है कि 31 अगस्त तक ये 297 स्पेशल एजुकेटर को नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो उनको 31 अगस्त तक 297 जो स्पेशल एजुकेटर हैं सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। और आगे इन्होंने बताया कि वही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 10वीं कक्षा तक 10 और 12वीं तक 15 दिव्यांग बच्चों पर एक स्पेशल शिक्षक नियुक्त होगा। तो इन्होंने वही बात बोली है कि जो 10वीं कक्षा है तो वहाँ पर 10 छात्रों पे, जो 10 CWSN छात्र हैं उन पे एक
स्पेशल एजुकेटर और जो 11वीं और 12वीं है वहाँ पे 15 CWSN छात्रों पे एक स्पेशल एजुकेटर होगा, और इसी के चलते जो 1380 स्पेशल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वो भी चल रही है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग भी इन्होंने पोस्ट सेंक्शन कर दी है और उसके बाद 1380 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आएगी। जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसके बाद 1380 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती पे भी एडवर्टीजमेंट आने वाला है। और जैसा कि आप ये ट्वीट देख रहे हो, इसमें एक ट्वीट किया गया था कि डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं जो हमारे हरियाणा के, उनको उनसे पूछा गया था कि श्रीमान जी 1380 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है क्या वो अंतिम चरण में है, अगर अंतिम चरण में है तो वह कब तक आने की संभावना है। तो इन्होंने पूछा था, तो डिसेबिलिटी जो कमिश्नर है हरियाणा के उनका रिप्लाई आया था कि अभी वित्त के इंतजाम में मामला फंसा है, मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ तक फाइल पहुँच चुकी है। और इन्होंने बताया कि फाइनेंस के इंतजाम के चक्कर में यह मामला फंसा हुआ है अभी, कि इनकी सैलरी क्या होगी उसके, और उसके बाद इनका जो बजट है वो सब चीज़ें क्लियर होने के बाद तो ये 1380 विशेष शिक्षकों की भी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। तो ये हरियाणा के सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हरियाणा के लिए जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए कोई वीडियो बनाओ आप, और बहुत टाइम से उनके कमेंट आ रहे थे। तो आज हमने ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने रखी है और इसमें दोनों भर्ती को लेके चर्चा की गई है, जो पहले वाली 297 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती थी और जो आने वाली है उन दोनों भर्ती को। तो जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है उनको 1 तारीख तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर जो 1380 स्पेशल एजुकेटर की एडवर्टीजमेंट आनी है वो भी बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगी। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो वो सब खुशियां मना सकते हैं कि उनको बहुत जल्द अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं और नया एडवर्टीजमेंट भी आने वाला है। जो उसमें रह गए थे तो वो अपनी तैयारी करते रहे, और आप सभी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो उतना ही फिर हम भी आपके लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं आपको। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।